नमस्कार, आपका स्वागत है रेसिपी विद गीता में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। दाल रोटी तो अक्सर हमेशा डेली रोज खाते हैं। आज हम बनाएंगे गुजराती स्टाइल में दाल ढोकली। तो ये मैंने एक कप ली है, ये तूर दाल है, इसे अरहर दाल भी बोलते हैं। मैंने ये एक कप ली है और इसे रात में भिगो करके रख दी थी और सुबह में ये देखिए अच्छी तरह से ये फूल चुका है, आप देख सकते हैं। और इसे मैंने दो तीन पानी से वॉश कर ली है। अब हम कुकर में इसे डाल देंगे और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे डेढ़ कटोरी इससे पानी डाली है, या फिर इसमें उबल दाल जिसे हम बनाते हैं उस तरीके से हम पानी इसे डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक सके, उतना पानी डालेंगे। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे एक चम्मच और एक चम्मच नमक डालेंगे। अब इसे ढक्कन बंद करेंगे, इसमें वन टीस्पून एक चम्मच ऑयल डालेंगे और इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसे हम उबाल लेंगे। इसको अच्छी तरह से पूरा हमें पकाना है जैसे हम दाल पकाते हैं। तो ये देखिए हमने गैस पे चढ़ा दी है, अब इसे हम मीडियम से लो फ्लेम पर इसे हम पका लेंगे पूरी अच्छी तरह से। जब तक ये गल न जाए उतना हम पका लेंगे, दो या तीन सीटी इसे आने देंगे। एक से बढ़कर एक पकवान की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे रेसिपी विद गीता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाकर ऑल को चुने ताकि मेरा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। जब तक हमारा दाल पक रहा है आगे की तैयारी कर लेते हैं। हम 1/4 कप लेंगे इसमें बेसन और इसमें आधा कप लेंगे गेहूं का आटा। इस आटे का हम बनाएंगे ढोकली, जिसके लिए में हम इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, और ये कुछ अजवाइन है, इसे क्रश करके आप इसमें डालें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। एक चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे, आप चाहे तो दाल में जो हमने ऑयल डाली है उसमें आप घी भी डाल सकते हैं और यहाँ भी आप घी डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे। मैं इसको तीन फ्लेवर में, तीन कलर में बनाऊंगी, आप चाहें तो एक कलर में ही बना सकते हैं। अब इसके हम मैं इसे तीन कलर में बनाऊंगी इसलिए मैं इसे अलग अलग इसे हम पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं रेड कलर, ये फूड कलर है, तो एक चुटकी इसमें कलर डालूंगी। अगर आपके पास कलर नहीं है तो आपके पास कुछ चुंदर जो होती है उससे भी आप जूस निकाल के इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें डालूंगी पीला कलर, ये फूड कलर है, खाने वाली कलर है ये, आप देख सकते हैं इस तरीके की आती है फूड कलर, खाने वाली है ये। और इसमें ग्रीन डालूंगी हरा। अगर आपके पास ये कलर नहीं है तो हरा के जगह ये जो हरा मैं कलर डाली हूँ इसके जगह आप पालक को पीस करके उसको भी इसमें डाल सकते हैं ताकि ये ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा। और पीला कलर नहीं है तो पीले के जगह आप हल्दी डाल सकते हैं आधे चम्मच। अब इन सबको हम अच्छी तरह से पानी दे करके सान लेंगे, एक आटा जैसा तैयार कर लेंगे, इसको सॉफ्ट आटा डो तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी पानी देके डो तैयार कर लें इस तरीके से। तो ये देखिए हमने ये अच्छी तरह से सॉफ्ट आटा गूंद ली है, कितनी प्यारी लग रही है, वाह देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा ले लीजिए और जिस तरह से आप रोटी बेलते हैं ना उस तरीके से इसको आप सभी को बेल लीजिए। ये देखिए हमने बेल ली है और इसके साइड से कट करके हटा देंगे। आप चाहें तो चारकोल या डायमंड शेप, आप किसी तरीके से भी इसको शेप दे सकते हैं।
मैं इसे चरखुट वाले शेप में काटूंगी। अब इसे इस तरीके से हटा लेंगे और इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए हमने चरखुट कट में काट ली है। अब मैं सारे इसी प्रोसेस को दोहराऊंगी, सारे इसी तरीके से कट कर लूंगी। तो ये देखिए हमने सारे काट ली है, आप देख सकते हैं ये हमारी तैयार हो गई है। अब हम चढ़ाएंगे कढ़ाई, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। बड़ा बर्तन ले जिसमें पूरी दाल आ सके, आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच घी, आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ डाली 2 चम्मच घी, 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा, 1/2 चम्मच डालेंगे राई। गुजराती और राजस्थानी में यही फर्क है कि राजस्थानी राई नहीं डालते हैं और गुजराती राई डालते हैं। और यहाँ डालेंगे इलायची और ये दालचीनी और 2-3 है ये लवंग, इसे भी डाल देंगे। आप चाहें तो पाउडर भी इसके डाल सकते हैं, गरम मसाला मेरे पास नहीं था इसलिए मैं इसे डाली हूँ। अब इसमें 1/2 चम्मच हींग डालेंगे, कड़ी पत्ते कुछ डालेंगे और यहाँ पे मैंने 1 हरी मिर्च ली है और ये 1 टमाटर ली है, आप इसके जगह 2 टमाटर भी ले सकते हैं। और मेरे पास अदरक नहीं है इसलिए मैं अदरक नहीं ली हूँ, तो मैं इसमें डालूंगी। आप चाहें तो इसे ग्राइंड कर भी सकते हैं, पर मैं ग्राइंड करके पीस कर नहीं ली हूँ, मैं ऐसे ही पका लूंगी इसे धीमी आंच पे, इसे पूरी तरह से मेल्ट कर लूंगी। अब इसे ढक देते हैं, 2-3 मिनट के बाद इसे हम चला लेंगे और थोड़ी सी इस पे नमक डाल देंगे ताकि ये जल्दी से घुल जाए। और इसे अच्छी तरह से हम चला लेंगे और ढक करके इसे हम पूरी तरह अच्छी तरह से पका लेंगे। इसमें पूरी गल गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें 1/2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और इसे चला लेंगे अच्छी तरह से। और हमने जो ये दाल पका के रखे हैं इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे, 1 उबाल आने देंगे इसको हम। तो इसे ढक देते हैं। तो देखिए इसमें उबाल आ गया है, तो इसमें थोड़ी सी मैं 1 चम्मच डालूंगी चीनी, आप इसके जगह चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हैं, मेरे पास गुड़ नहीं था इसलिए मैं चीनी डाली हूँ इसमें, क्योंकि गुजराती में थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी थोड़ी तीखी होते हैं इसलिए इसमें मीठा तो बनता है। यहाँ पे मैं खट्टे के लिए मैं डाल रही हूँ इमली पानी, आप इसके जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए उबाल आ चुका है, अब हम इसमें ढोकले डालेंगे, जो रोटी के हमने ये टुकड़े बना रखे हैं इसमें हम डाल देंगे। इसमें हम उबाल आने पर ही डालेंगे, नहीं तो ये अंदर चिपक जाएगा। और इसे चलाते रहना है जब तक ये ऊपर ना तैरने लगे, ये जो ढोकले हैं रोटियां हैं जो कितनी अच्छी लग रही है ना, कलरफुल दाल ढोकले, ये वाह देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, टेस्टी भी उतनी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इसे हम चलाते रहेंगे जब तक, जब ये ऊपर आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये अलग अलग हो चुका है, ये आपस में अब चिपकेगी नहीं। यहाँ पे 1/2 कप पानी और मैं डालूंगी ताकि ये जब पके तो ये इसकी कंसिस्टेंसी से बिल्कुल इक्वल हो, ज्यादा गाढ़ी ना हो, क्योंकि ये पकेगा अभी तो और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ी इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये तैर रही है, आप देख सकते हैं अब ये चिपकेगा नहीं। अब इसे हम मीडियम आंच पे इसे पकने देंगे, 6 से 5-6-7 मिनट पकने देंगे। पूरी वीडियो आप देखिएगा तभी आपको पूरा पता चलेगा। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से ये
दाल ढोकली तैयार हो गया। वैसे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, पर इस जाइएगा नहीं, अभी और कुछ मैं करने वाली हूँ, इसे और टेस्टी और सुंदर बनाने वाली हूँ। तो अब एक हम कलछुल चलाएंगे इस पे, गैस पे। अब इसमें थोड़ी सी मूंगफली डालेंगे, आप चाहें तो क्रिस्प करके भी आप डाल सकते हैं, पर मैं इसे फ्राई करके डालूंगी। ये भुना हुआ मूंगफली है, आप चाहें तो थोड़ा सा क्रिस्प कर ले तवा पे, वैसे भी आप डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं इस तरीके से फ्राई करके। तो देखिए ये हल्का फ्राई हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें डाल देंगे और इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता से गार्निश कर लेंगे, डाल देंगे और इसकी हम तड़का लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे जीरा और लाल मिर्च डालेंगे इसमें, थोड़ी सी कड़ी पत्ते डालेंगे और इसमें हम डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा तैयार हो गया ढोकले, दाल ढोकले। ये दाल ढोकली बहुत टेस्टी लगता है, आप चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, दाल रोटी चावल के साथ खा सकते हैं, पर मैं गुजराती टाइप के आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने चावल इस तरीके से रखे हैं, आप चाहे तो इसमें चावल में थोड़ा सा येलो कलर भी आप दे सकते हैं। तो इसे हम इस तरीके से रखेंगे इस तरीके से, और इसे तो इस तरीके से रखेंगे और हम इसको इस तरीके से सर्व करेंगे। तो ये देखिए हमारा दाल ढोकली कितना बढ़िया गुजराती स्टाइल में हमारा तैयार है, बिल्कुल मेहमान वाजी भी वाह वाह करेंगे खा करके इसे। तो आप भी आप जरूर ट्राई करें एक बार और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो इस तरीके के डिश आसानी से घरों में बना के अपना एंजॉय कर सके। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए, एक लाइक तो बनता है, खाने में तो लाजवाब इसका टेस्ट है गुजराती स्टाइल में।